आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत खूंटी के छात्र छात्राओं को उज्ज्वल भविष्य की ओर अग्रसर करने के उद्देश्य से एक अनोखी पहल का परिणाम अब सकारात्मक रूप से प्रदर्शित हो रहा है। कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय खूंटी की दो बच्चियों ने नीट 2022 एवं तीन छात्राओं ने जेईई मेन 2022 क्वालिफाई किया है। ये उपलब्धि उपायुक्त शशि रंजन की पहल पर शुरू किए गए सपनों की उड़ान कार्यक्रम का सफल परिणाम है। नीट 2022 क्वालिफाई करने वाली दो छात्राओं में वाटिका कुमारी एवं अड़की प्रखंड की पूजा कुमारी हैं। कुल 16 बच्चियों में से तीन छात्राएं उपलब्धि हासिल कर अन्य छात्राओं के लिए भी उदाहरण बनी है। वहीं कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय खूंटी परिवार, वार्डन, शिक्षिका, सभी बच्चियों में खुशी का वातावरण है। कर्रा की दयामनी सांगा, तिरला खूंटी की एलिसा हसा और निगड़ा खूंटी की दीपा पूर्ति के नाम शामिल हैं। इनमें से कुल 16 छात्राएं आईआईटी की तैयारी कर रही हैं एवं अन्य मेडिकल की तैयारियां कर रही हैं। आज उपायुक्त ने सभी छात्राओं से मिलकर उनका उत्साहवर्धन किया, साथ ही नई बैच की छात्राओं को भी प्रोत्साहित किया। सभी उत्तीर्ण छात्राओं को बेहतर भविष्य के लिए काउंसिलिंग करा, उन्हें सहयोग भी किया जा रहा है। इस पहल में सपनों की उड़ान कार्यक्रम के माध्यम से जिले के छात्राओं के लिए सुदृढ़ शिक्षण व्यवस्था सुनिश्चित करने का प्रयास है। इसके लिए खूंटी जिला के कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के 11वीं एवं 12वीं की छात्राओं को भौतिक, रसायन, जीव विज्ञान एवं गणित विषयों में सुदृढ़ करते हुए आईटीआई एवं मेडिकल परीक्षा में उत्तीर्ण कराने के उद्देश्य से ऑनलाइन ऑफलाइन शिक्षा विद्या मंदिर क्लासेस नई दिल्ली के द्वारा प्रदान की जा रही है। इन छात्राओं को जिला प्रशासन द्वारा अपेक्षित सहयोग कर उन्हें आईआईटी व मेडिकल की तैयारियों के लिए अग्रसर किया जा रहा है। हम 8वीं क्लास में डिसाइड किए थे कि हमको डॉक्टर बनना है, लेकिन पता नहीं था कि डॉक्टर बनने के लिए क्या करना पड़ता है। 10th क्लास के बाद जब कोरोना काल था तब डीसी सर ने हमें बहुत मोटिवेट कराया, उन्होंने समझाया, उन्होंने बताया ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे पढ़ना है। तब हम लोगों ने बहुत मेहनत किया, दिन रात एक करके हमने पढ़ाई की और आज जाके हम एग्ज़ाम देने के बाद आज मैंने नीट एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया है। तो कुछ अलग फील होता है, कुछ स्पेशल फील होता है, कुछ हटके फील होता है कि हाँ, जो कभी नहीं सोचने वाला बच्चा था उसने आज नीट क्वालिफाई कर लिया और अपने माँ बाप का नाम रोशन कर लिया, अपने टीचरों का, अपने जिले का नाम रोशन कर दिया। इंजीनियरिंग के क्षेत्र में लड़कियों की संख्या बहुत कम है। मैं अपने दोस्तों से कहना चाहूँगी कि वो भी सपना देखे और अपना सपना पूरा करें। सपने उड़ान कार्यक्रम डीसी सर चला रहे हैं और इसमें मैं आईआईटी क्वालिफाई कर चुकी हूँ। मैं बाहर पूजा कुमारी हूँ और मेरे पापा फार्मर थे और मैं कभी नहीं सोची थी कि डीसी सर के द्वारा इस सपनों की उड़ान को लेकर के नीट का पढ़ाई या इंजीनियरिंग का पढ़ाई करना कभी नहीं सोची थी और मैं आज नीट क्वालिफाई कर चुकी हूँ और मैं बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हूँ। खूंटी जिले की सभी खबरों के लिए हमसे जुड़े प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।